गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। वर्कशीट की एक्टिविटी में हम वर्कशीट नंबर 81 पेज नंबर 82 ये हमारी जीके की वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। पीपल थ्रो आउट द वर्ड इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। पूरे संसार में लोग अलग अलग तरीके के मकानों में रहते हैं। दे बिल्ड देयर हाउसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। वो अपने घर को वहाँ की जलवायु के हिसाब से बनाते हैं। राइट द नेम ऑफ दिस हाउसेस। ये नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई है और आपको इन पिक्चर्स को देखते हुए ये लिखने हैं कि इन हाउसेस को क्या कहा जाता है। इसके लिए देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्लू बॉक्स में नाम भी लिख के दिए गए हैं। अब आपको पिक्चर देखनी है और इनके नाम लिखने हैं। नंबर वन देखिए, ये एक कपड़े का बना हुआ घर है, इसे हम क्या कहते हैं? टेंट, TENT, टेंट। नेक्स्ट देखिए, नंबर टू, दिस इज अ हट, ये एक छोटी सी झोपड़ी बनी है, HUT, हट। ये गांव एरिए में या बहुत ही रूरल एरिए में मिलती है। नंबर थ्री ये देखिए, नीचे बोट है, बोट के ऊपर ही घर बना हुआ है, दिस इज हाउस बोट। ये कश्मीर केरला यहाँ पर पाई जाती हैं, दिस इज हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट। नेक्स्ट देखिए नंबर फोर, दिस इज इग्लू। ये बहुत बर्फीले एरियाज में ये वाले घर पाए जाते हैं और इनके अंदर रहने वाले लोगों को एस्किमो कहते हैं और ये घर बर्फ से बने हैं। इग्लू, IGLOO, इग्लू। ये देखिए नंबर फाइव, दिस इज स्टिल्ट हाउस। ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, जैसे समुद्र के किनारे या जहां पे बाढ़ का पानी एकदम भर जाता है और कई दिनों तक वो पानी पास नहीं होता, तो वहां पर नीचे बैम्बू लगा के बहुत मजबूत बल्लियां लगा के ये घर थोड़ा ऊंचाई पे करके बनाया जाता है, इसे कहा जाता है स्टिल्ट हाउस, STILT, स्टिल्ट, HOUSE हाउस, स्टिल्ट हाउस। नेक्स्ट देखिए नंबर सिक्स, यहाँ इस वाले घर को कहते हैं बैम्बू हाउस। बैम्बू हाउस मतलब बांस का बना हुआ घर। ये देख रहे हैं ना आप, स्टेट बिल्कुल स्टेट है ये। ये लंबे लंबे बांस होते हैं जो सूखे बांसों को या हरे बांसों को मिलाकर उनको ज्वाइन करके पत्तियों से और रस्सी से एक हट के टाइप का बनाया जाता है और ये हरे बांस भी जो होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे सूख जाते हैं। दिस इज बैम्बू हाउस, BAMBOO, बैम्बो हाउस, बैम्बो हाउस। नंबर सेवन, दिस इज मड हाउस। ये मिट्टी, लकड़ी, स्टॉ, इन सब चीजों से ये वाला घर बनता है और ये गांव में विलेजेस वगैरह में मिलता है। दिस इज मड हाउस, MUD मड, HOUSE हाउस। दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग ये सीमेंट, कॉन्क्रीट, आयरन इन सब से मिलकर बनी होती है और ये बिल्डिंग शहरों में पाई जाती है, BULDLING, बिल्डिंग। बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 81 कंप्लीट हो गई। आपको ये टाइप्स ऑफ हाउसेस अच्छी तरीके से इनके स्पेलिंग के साथ इनको लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।